हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की नई वीडियो के साथ मैं गिरीश कुमार। मित्रों, आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित है, जो इस प्रकार से है। मित्रों, माना जाता है कि यह नाटक 1596 और 1598 के बीच लिखा गया था। वेनिस में एंटोनियो नामक एक व्यापारी ने अपने प्रिय मित्र वसैनियो की ओर से एक यहूदी साहूकार शाइलॉक द्वारा दिए गए एक बड़े ऋण पर चूक कर दी थी। हालांकि फर्स्ट फोलियो में एक कॉमेडी के रूप में यह वर्गीकृत किया गया है और शेक्सपियर की अन्य रोमांटिक कॉमेडी के साथ कुछ पहलुओं को समझाया भी गया है। यह नाटक अपने नाटकीय दृश्यों के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और यह चरित्र शाइलॉक और एक पाउंड मांस की उसकी प्रसिद्ध मांग के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध नाटक में शाइलॉक के दो प्रसिद्ध भाषण शामिल हैं, क्या किसी यहूदी की आँखें नहीं हैं मानवता के विषय पर, और पोर्शिया का दया की गुणवत्ता पर इस बात का बहस भी किया गया है। यह नाटक यहूदी विरोधी है। मांस के पाउंड पर अपने कानूनी अधिकार पर शाइलॉक का आग्रह, भेदभाव से पीड़ित सभी लोगों के अधिकारों के लिए शाइलॉक की सर्वव्यापी दलील के विरोध में है। पात्रों का परिचय इस नाटक में इस प्रकार से है। एंटोनियो एक उदास मनोदशा वाला तथा वेनिस का एक प्रमुख व्यापारी होता है। वैसैनियो एंटोनियो का करीबी दोस्त होता है, पोर्शिया का प्रेमी, बाद में पोर्शिया के पति ग्रेटियानो एंटोनियो और वैसैनियो के मित्र होते हैं। नेरिशा से प्यार हो जाता है, बाद में नेरिशा के पति बन जाते हैं। लोरेंजो एंटोनियो और वैसैनियो के मित्र होते हैं। जेसिका से प्यार इन्हें हो जाता है, बाद में जेसिका के पति पोर्शिया एक अमीर उत्तराधिकारी होते हैं। बाद में वैसैनियो की पत्नी नेरिशा पोर्शिया की प्रतीक्षारत नौकरानी होती है। ग्रेटियानो से इसको प्यार हो जाता है, बाद में ग्रेटियानो की पत्नी हो जाती है। खुद को पोर्शिया के क्लर्क के रूप में प्रच्छन्न करता है। बल्थाजार पोर्शिया का नौकर होता है, स्टेफानो पोर्शिया का नौकर होता है। शाइलॉक एक कंजूस यहूदी साहूकार होता है, जेसिका का पिता होता है। जेसिका शाइलॉक की बेटी होती है, बाद में लोरेंजो की पत्नी हो जाती है। ट्यूबल एक यहूदी शाइलॉक का दोस्त होता है। लांस लोट गोब्बो शाइलॉक का नौकर होता है, बाद में वसैनियो का नौकर ओल्ड गोब्बो का बेटा हो जाता है। ओल्ड गोब्बो लॉट के अंधे पिता लियोनार्डो होता है, वसैनियो का नौकर। ड्यूक ऑफ वेनिस शाइलॉक के बंधन के मामले की अध्यक्षता करने वाला एक प्राधिकारी मोरक्को के राजकुमार होते हैं। पोर्शिया के प्रेमी एरागोन के राजकुमार होते हैं। पोर्शिया के प्रेमी शालानिनो और शैलानियो, जिसे शोलनियो के नाम से भी जाना जाता है, एंटोनियो और वैसैनियो के दोस्त होते हैं। शालेरियो वेनिस से एक दूत होता है, एंटोनियो वैसैनियो और अन्य के मित्र होते हैं। वेनिस के महानुभाव न्यायालय के अधिकारी जेलर पोर्शिया के नौकर और अन्य परिचारक और पोर्शिया के चचेरे भाई डॉक्टर बेलारियो होते हैं। मित्रों, नाटक का सारांश कुछ इस प्रकार से है। वैसैनियो कुलीन रैंक का एक युवा वेनिस वेलमॉन्ट की सुंदर और अमीर उत्तराधिकारी पोर्शिया को लुभाना चाहता है। अपनी संपत्ति बर्बाद करने के बाद उसे एक प्रेमी के रूप में अपने खर्चों पर सब्सिडी देने के लिए 3000 डुकाट की आवश्यकता होती है। वैसैनियो अपने दोस्त एंटोनियो से संपर्क करता है, जो वेनिस का एक धनी व्यापारी है, जिसने पहले और बार बार उसे जमानत दी है। एंटोनियो सहमत हो जाता है, लेकिन चूंकि उसके पास नकदी की कमी थी तो उसके जहाज और माल त्रिपोलिस, इंडीज, मैक्सिको और इंग्लैंड के लिए समुद्र में व्यस्त हैं। वह एक बॉन्ड को कवर करने का वादा करता है। यदि वैसैनियो को एक ऋणदाता मिल जाता है तो इसलिए वैसैनियो यहूदी साहूकार शाइलॉक के पास जाता है और एंटोनियो को ऋण के गारंटर के रूप में नामित करता है। मित्रों, एंटोनियो ने अपने पहले से ही अपने मुखर विरोधीवादी के माध्यम से शाइलॉक को नाराज कर दिया है, और क्योंकि एंटोनियो की बिना ब्याज और पैसा उधार देने की आदत शाइलॉक को कम दरें वसूलने के लिए मजबूर करती हैं। एंटोनियो के हाथों अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए शाइलॉक पहले तो ऋण देने में अनिच्छुक होता है। वह अंततः एक शर्त पर वैसैनियो को बिना ब्याज के राशि उधार देने के लिए सहमत हो जाता है। यदि एंटोनियो निर्दिष्ट तिथि पर इसे चुकाने में असमर्थ था तो शाइलॉक एक पाउंड मांस उसके शरीर से ले लेगा। ये शर्त निर्धारित की गई। एंटोनियो के मांस का वैसैनियो नहीं चाहता था कि एंटोनियो ऐसी जोखिम भरी शर्त स्वीकार करे। एंटोनियो साहूकार की उदारता से आश्चर्यचकित हो जाता है और वह अनुबंध पर यानी बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर देता है। हाथ में पैसे लेकर वैसैनियो अपने दोस्त ग्रेटियानो के साथ बेलमॉन्ट के लिए रवाना होता है, जिसने उसके साथ चलने के लिए कहा था। ग्रेटियानो एक आकर्षक युवक है, लेकिन वह अक्सर चंचल, अत्यधिक बातूनी और व्यवहारहीन होता है। वैसैनियो ने अपने साथी को आत्मसंयम बरतने की चेतावनी दी और दोनों बेलमॉन्ट के लिए रवाना हो गए। मित्रों, इस बीच बेलमॉन्ट में
पोर्शिया प्रेमी प्रेमिकाओं से भरे दरबार में है। उसके पिता ने एक वसीयत छोड़ी थी यह निर्धारित करते हुए कि उसके प्रत्येक प्रेमी को क्रमशः सोने चांदी और शीशे से बने 3 ताबूतों में से एक को सही ढंग से चुनना होगा। जो कोई भी सही ताबूत चुनता है वह पोर्शिया का हाथ जीत लेगा, अर्थात पोर्शिया उसकी पत्नी हो जाएगी। पहला प्रेमी मुरक्को का राजकुमार होता है, सोने का ताबूत चुनता है और उसके नारे की व्याख्या करता है, यानी जो उसमें स्लोगन लिखा हुआ था उसके बारे में बताता है। जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो कई लोग चाहते हैं, पोर्शिया के संदर्भ में। दूसरा प्रेमी आरागॉन का अभिमानी राजकुमार चांदी का ताबूत चुनता है, जिसमें घोषणा की गई जो मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वह हकदार है, क्योंकि उसका मानना है कि वह योग्यता से भरा है। दोनों दावेदार खाली हाथ चले गए। शीशे के ताबूत को इसलिए सामग्री की घटियाता और इसके नारे की बिन बुलाए प्रकृति के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है। जो मुझे चुनता है उसे देना होगा और उसके पास जो कुछ भी है उसे खतरे में डालना होगा। अंतिम प्रेमी वैशानियों है, पोर्शिया उससे पहले मिलकर सफल होना चाहती है। वैशानियों ने मुख्य ताबूत चुना और पोर्शिया का हाथ जीत लिया। मित्रों, वेनिस में एंटोनियो की जहाज समुद्र में खो जाने की सूचना मिलती है, इसलिए व्यापारी बॉन्ड नहीं चुका सकता। शाइलॉक ईसाइयों से बदला लेने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया, क्योंकि उसकी बेटी जेसिका ईसाई लोरेंजो के साथ भाग गई और धर्म परिवर्तन कर लिया। वह अपने साथ शाइलॉक की बड़ी मात्रा में संपत्ति ले गई, साथ ही एक फिरोजा अंगूठी भी ले गई जो शाइलॉक को उसकी दिवंगत पत्नी लिया ने दी थी। शाइलॉक ने एंटोनियो को अदालत में पेश किया। बेलमॉन्ट में वैशानियों को एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि एंटोनियो शाइलॉक से ऋण चुकाने में असमर्थ है। पोर्शिया और वैशानियों की शादी होती है, साथ ही ग्रेटियानो और पोर्शिया की दासी नेरिशा भी उस शादी में शामिल हो जाती है। शाइलॉक को पैसे की पेशकश करके एंटोनियो की जान बचाने के लिए वैशानियों और ग्रेटियानो पोर्शिया से पैसे लेकर वेनिस के लिए रवाना होते हैं। वैशानियों और ग्रेटियानो के लिए अज्ञात पोर्शिया ने अपने नौकर बल्थाजार को पोर्शिया के चचेरे भाई बेलारियो, जो एक वकील होता है, पड़ुआ में यानी कि पर्स उसको दे देती है और यह सलाह देती है कि वहाँ उसको भेज दिया जाए। नाटक का चरमोत्कर्ष ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में स्थापित किया गया है। शाइलॉक ने वैशानियों के 6000 डुकाट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो ऋण की राशि से दोगुना था। वह एंटोनियो से अपने पाउंड मांस की मांग करता है। ड्यूक एंटोनियो को बचाना चाहता है, लेकिन एक अनुबंध यानी बॉन्ड को रद्द करने में असमर्थ है। मामले को एक आगंतुक को संदर्भित करता है। वह अपनी पहचान बल्थाजार के रूप में बताता है, जो एक युवा पुरुष कानून का डॉक्टर होता है, जिसके हाथ में विद्वान वकील बेलारियो का एक ड्यूक के लिए सिफारिश पत्र होता है। डॉक्टर भेष बदल करके पोर्शिया है, यानी कि पोर्शिया ने अपना भेष बदल लिया है, और उसके साथ आने वाला कानून क्लर्क नेरिशा है, जो भी यह एक पुरुष के रूप में पुरुष के भेष में है। एक प्रसिद्ध भाषण में बल्थाजार पोर्शिया के रूप में शाइलॉक से बार बार दया दिखाने के लिए कहता है, उसे सलाह देता है कि दया 2 बार धन्य है। यह उसे आशीर्वाद देती है, जो देता है और जो लेता है, यानी कि वह शाइलॉक को किसी भी मुआवजे से इनकार कर देने के लिए और मांस पाउंड भर मांस न लेने के लिए जोर देती है। जैसे ही अदालत ने शाइलॉक को उसका बॉन्ड दे दिया और एंटोनियो शाइलॉक के चाकू के लिए तैयारी कर रहा है, पोर्शिया ने चतुराई से शाइलॉक के तर्क को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बना लिया। वह कहती है कि अनुबंध शाइलॉक को एंटोनियो का केवल मांस निकालने की अनुमति देता है, खून नहीं। इस प्रकार यदि शाइलॉक को एंटोनियो के खून की एक भी बूंद बहानी पड़ती है तो वेनिस के कानूनों के तहत उसकी ज़मीन और सामान जब्त कर लिया जाएगा, यानी कि बहुत कठिन शर्त लगा देती है कि मरना नहीं चाहिए, केवल 1 पाउंड मांस निकलना चाहिए। तो ये शर्त उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। वह उससे कहती है कि उसे ठीक 1 पाउंड मांस काटना होगा, ना कि अधिक, और ये भी शर्त काफ़ी ज़्यादा होती है कि 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वह उसे सलाह देती है कि यदि तराजू पलट जाता है लेकिन 1 बाल के बराबर भी तुम मांस को ज़्यादा निकालोगे तो तुम्हारा सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। हारकर शाइलॉक डिफॉल्ट बॉन्ड के लिए वैशानियों के पैसे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है। पहले 3 बार बॉन्ड का भुगतान करने की उसकी पेशकश, जिसे पोर्शिया ने अस्वीकार कर दिया था, उसे अपना बॉन्ड लेने के लिए कहा गया और फिर केवल मूलधन, लेकिन पोर्शिया भी उसे ऐसा करने से रोकती है, इस आधार पर कि वह पहले ही
खुली अदालत में इससे इनकार कर चुका है। वह एक कानून का हवाला देती है जिसके तहत शाइलॉक ने एक यहूदी और इसलिए कि एक एलियन के रूप में एक नागरिक की जान लेने का प्रयास करते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। आधी सरकार को और आधी एंटोनियो को और अपना जीवन उसकी दया पर छोड़ दिया जाता है। ड्यूक के शाइलॉक की जान बख्श दी जाती है। कहा जाता है कि जब्ती माफ कर सकता है। पोर्सिया का कहना है कि ड्यूक राज्य का हिस्सा माफ कर सकता है लेकिन एंटोनियो का नहीं। उपयोग में शाइलॉक की मृत्यु तक जब मूलधन लोरेंजो और जेसिका को दे दिया जाता है तो एंटोनियो यह भी कहता है कि इस एहसान के लिए शाइलॉक ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए और अपनी पूरी संपत्ति लोरेंजो और जेसिका को दे दे। इसके बाद ड्यूक ने अपनी माफ़ी वापस लेने की धमकी दी। शाइलॉक का जीवन तब तक जीवित रहेगा जब तक वह इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता। शाइलॉक को दोबारा मौत की धमकी दी गई और वह इन शब्दों के साथ स्वीकार भी कर लेता है और कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ। वैसानियों अपनी प्रचंड पत्नी को नहीं पहचान पाता, यानी कि भेष बदले हुए पत्नी को नहीं पहचान पाता है, लेकिन कथित वकील को एक उपहार की पेशकश करता है। पहले तो उसे मना कर दिया लेकिन उसके जोर देने पर पोर्सिया ने उसकी अंगूठी और एंटोनियो के दस्ताने मांगे। एंटोनियो बिना कुछ सोचे समझे अपने दस्तानों से अलग हो जाता है और लेकिन वैसानियो एंटोनियो के बहुत समझाने के बाद ही अंगूठी देता है क्योंकि पहले नाटक में उसने अपनी पत्नी से इसे कभी ना खोने बेचने या देने का वादा किया था। वकील के क्लर्क के रूप में निरिशा ग्रेटियानो से अपनी अंगूठी वापस पाने में सफल हो जाती है जो उसके भेष में नहीं देख पाता है। बेलमांटे में पोर्सिया और निरिशा यह बताने से पहले कि वे वास्तव में वकील और उसके भेष में क्लर्क थे अपनी पतियों पर ताना मारती हैं और उन पर आरोप लगाने का नाटक भी करती हैं। अन्य सभी पात्रों द्वारा सुधार करने के बाद एंटोनियो को पोर्सियो से पता चलता है कि उसके तीन जहाज फंसे नहीं थे और आखिरकार सुरक्षित लौट आए। मित्रों इस प्रकार से इस त्रासदिक नाटक का समापन हो जाता है। मित्रों यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और आपको मैं एक बात और बताता हूं कि यह वीडियो TGT एग्ज़ाम पर बेस्ड है। यदि आपको इससे कुछ लाभ मिलता है TGT के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।